हरियाणा भाजपा के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी ने बबैर अनाज मंडी का दौरा किया। अनाज मंडी में गेहूं की खरीद व उठान में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। उन्होंने विभिन्न एजेंसियों व अधिकारियों को आदेश दिए कि किसानों व मंडी के आड़तियों को लेकर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। डॉक्टर पवन सैनी ने प्रदेश के किसानों को सरकार ने फसल के खराब होने की रिपोर्ट देने का अधिकार दिया है। सरकार सबसे पहले पोर्टल के माध्यम से फसल खराब की किसान द्वारा दी गई रिपोर्ट पर अमल करेगी, उसके बाद ही अधिकारियों को रिपोर्ट देने का आदेश जारी करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार धीरे धीरे किसान की खराब फसल की गिरदावरी आदि के बारे में पटवारी की भूमिका को कम कर रही है। सरकार की सोच है कि प्रत्येक किसान को उसकी फसल के खराब होने के मुआवजे की सही राशि समय पर मिल सके। इतना ही नहीं, इस गेहूं के सीजन में किसानों की फसल का उत्पादन कम होने पर बीमा करवाने वाले किसान को मुआवजा भी दिया जाएगा। उन्होंने अनाज मंडी में व्यापारियों, अधिकारियों और किसानों से गेहूं खरीद को लेकर फीडबैक ली। किसानों, व्यापारियों और अधिकारियों से बातचीत करने के बाद डॉक्टर सैनी ने बबैड़ अनाज मंडी में गेहूं की नमी, खरीद कार्य और लिफ्टिंग, किसानों के ठहरने, खाने पीने की व्यवस्था, शौचालयों की व्यवस्था सहित बारदाना और गेहूं भराई आदि के कार्यों का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि व्यापारियों और किसानों से बातचीत के दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आज हरियाणा की प्रत्येक मंडी में किसानों को उनकी फसलों के अच्छे दाम मिल रहे हैं। सरसों, कपास का भाव भी किसानों को बहुत अच्छा मिल रहा है। किसानों की फसल का भुगतान 72 घंटे के अंदर करने के आदेश अधिकारियों को पहले ही दिए जा चुके हैं। सरकार का प्रयास है कि किसी भी मंडी में भीड़ भाड़ आदि ना होने दी जाए और सभी मंडियों में लिफ्टिंग का कार्य सुचारू रूप से किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों की फसल का एक एक दाना एजेंसियों द्वारा खरीदना सुनिश्चित किया जाएगा। इस बार गेहूं के उत्पादन में कमी आंकी जा रही है, इसीलिए जिन किसानों ने फसलों का बीमा करवाया है उन किसानों को नियमानुसार बीमा कंपनी द्वारा उत्पादन कम होने पर मुआवजा भी दिया जाएगा। इस अवसर पर जिला पार्षद प्रतिनिधि डिम्पल सैनी, गोल्डी सिंगला, जगमाल सिंह, राजकुमार, मनोज कुमार व मार्केट कमेटी के अधिकारी मौजूद रहे। पार्टी के बहुत ही सारे हमारे जो मार्केट कमेटी के सारे अधिकारियों से सारा उसका निरीक्षण किया। कुल मिलाकर के अब की बार हमारे किसान भाइयों की जो आवक है खेत में, ईल्ड का उत्पादन जो है बड़ा कम हुआ था। किसी का 5 क्विंटल की एवरेज है, किसी का 10 के, किसी की 12। तो अगर मैं टोटल अंतर की बात करता हूँ, हमारा इस मंडी में लगभग 3.25 लाख क्विंटल के करीब की आवक होती है और आज की डेट में हमारी अब तक लगभग 1,54,000, यानी कि 50% आवक हुई है और आगे थोड़ी और बढ़ जाएगी, लेकिन उत्पादन बड़ा कम है। तो बाकी कोई समस्या नहीं है, कुछ समस्या थोड़ी बहुत थी, गडाउन में जाती थी और कुछ लोग कमी होती थी, लेकिन अब की बार हमारे जितने भी एफसीआई के अधिकारी हैं परचेजिंग के समय में वो साथ रहते हैं। अगर कोई किसान की अगर फसल में कोई दिक्कत है तो यहीं पे उसका फैसला कर देते हैं, अदरवाइज़ तो हमारे यहाँ मंडी में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, ना बारदाने की है, ना लिफ्टिंग की है। लिफ्टिंग थोड़ी सी है, वो भी 2-3 दिन के अंदर सारी कवर हो जाएगी। खबर हमारे यहाँ के लिए बाबैंड से राकेश शर्मा की रिपोर्ट।